ठीक है मम्मी मैं टी शर्ट गेलू और भाभी नमस्कार चावल का बड़ा इतना सुंदर इतना मस्त बनी है आज आप यकीन नहीं करोगे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए एकदम मस्त बनती है आप दुकान में खाना भूल जाओ ये घर में बनाओ एकदम मस्त खाना खाओ मस्त बनी है हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आज भाभी बनाएगा चावल के आटे से कुछ बड़ा बनाएगा नाश्ते के लिए तो देखते हैं आप लोग वीडियो में जरूर बने रहना लास्ट तक और देखना भाभी कैसे बना रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं भाभी कैसे बनाता है चावल के आटे से बड़ा। आज भाभी बनाएगा बोरा चावल का बोरा बनाएगा आज बस इसे करेंगे ग्राइंडर ये देखिए वो बोरा बनाने के लिए वो पेस्ट हमने बना लिया है भाभी ने और इसमें डाला पका हुआ आलू और आलू को ग्राइंडर करके इसमें मिला दिया तो फिर बाद में मिलाएगा ये देखिए प्याज और कड़ी पत्ता और उसके साथ थोड़ा हल्दी जीरा जो भी आपको मिलाना है मिला दीजिए। ये देखिए जीरा मिलाया साथ में खाने का सोडा भी मिलाइए और मिलाने के बाद ये देखिए अभी प्याज और कड़ी पत्ता डाल दी डाला हल्दी और नमक इसमें क्या क्या डाला भाभी ने मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को अगर बनाना है घर में मस्त बनेगा तो सारा क्या क्या मिलाया सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आप वहां से देख सकते हो। अभी इसने डाला वो आधा एकदम छोटा छोटा हमने कद्दूकस कर लिया था इसे हमने कद्दूकस किया था अदरक ये देखिए सारा सामान मिला के भाभी मिला रहा है लास्ट में वो खाने का सोडा डाल दिया बस अभी उसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे फिर 10 मिनट के बाद बनाएंगे बड़ा। उसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए बस 10 मिनट के ऊपर हो चुकी है बस उसे निकाल लेते हैं देखिए कितना फूला फूला नजर आ रहा है और अभी भाभी ने तेल डाल दिया कढ़ाई में गरम करने के लिए छानने के लिए बड़ा तो ये जो बड़ा है वो चावल का बना हुआ बड़ा है तो पहले चावल को हमने भिगा लिया था और दोपहर को और फिर उसे ग्राइंड किया ग्राइंड करने के बाद उसमें क्या क्या डाले तो कड़ी पत्ता डाला प्याज डाला और उबला हुआ आलू डाला और उसमें डाला और खाने का सोडा डाला और हल्दी और जीरा सारा सामान उसमें डाल दिया डाल के मिला के अभी 10-15 मिनट के लिए उसके ढक के रखा तो उसके बाद अभी बना रहे हैं दिखाता हूँ आप लोगों को बड़ा कैसा बनता है चावल का बड़ा। ये हमारा भाभी का वो तो पहली बार बना रहा है पता नहीं वो तो बड़ा बनाता है किंतु हमारा वहाँ का दुकान में जो बड़ा बनता है वो बीड़ी का बनता है तो हमारा घर में आज बन रहा है चावल का बड़ा। देखिए हमारा चावल का बड़ा कितना सुंदर फूल रही है
देखिए हमारा चावल का बड़ा कितना सुंदर फूल रही है। देखिए हमारा फाइनली हमारा बड़ा बन के रेडी हो चुके है, एकदम मस्त बनिए, देखिए एकदम मस्त बनिए। चलिए खाते हैं अभी। ये देखिए हमारा बड़ा एकदम मस्त बनी है, कितना सुंदर बनाई है भाभी ने। आज ये चावल का बड़ा कितना सुंदर बनी है, एकदम बढ़िया बनी है। फाइनली अभी खाते हैं सारे लोग, बाबूजी और दादी तो खा चुके हैं थोड़ा बहुत, तो हम अभी खाएंगे मम्मी जी, मैं, भाभी और गेलू। चलिए खाते हैं। ये देखिए मम्मी, मैं, रिसर्ट, गेलू और भाभी। नमस्कार। चावल का बड़ा इतना सुंदर इतना मस्त बनी है आज, आप यकीन नहीं करोगे। आप घर में जरूर ट्राई कीजिए, एकदम मस्त बनती है। आप दुकान में खाना भूल जाओगे, ये घर में बनाओ, एकदम मस्त खाना खाओ, मस्त बनी है। फाइनली शाम का टिफिन तो हो चुकी है, अभी ने बनाया था बड़ा साथ में चटनी, मस्त खाए। चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।